आज मैं 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो होगा, जो कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होगा, इसका सारा डेटा आपको बताने वाला हूँ, डेटा देने वाला हूँ। इस सोलर सिस्टम में कितने पैनल लगेंगे, कितने वाट के लगेंगे, इस कनेक्शन कैसा होगा पैनल का, कितने बैटरी लगेंगे, बैटरी का कनेक्शन कैसा होगा, एम्पेयर कितने होंगे, और साथ में बताऊंगा आपको कि इसका प्राइस क्या पड़ेगा, मतलब पूरा सोलर सिस्टम का क्या क्या एसेसरीज मिलने वाला है। जी हाँ, आपको एक्स्ट्रा क्या क्या मिलेगा, नट बोल्ट वगैरह का, क्रम्पे टूल्स, एले वगैरह क्या क्या मिलेगा वो बताऊंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कितना एरिया रिक्वायर होगा इस सोलर सिस्टम को लगाने के लिए, मतलब 10 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने के लिए। इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर रखा है, 1 किलोवाट से लेकर 8 किलोवाट तक का ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, हाइब्रिड का सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखा है मैंने। चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, वहां सारा डेटा कलेक्ट करते हैं 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है इसका। तो फ्रेंड आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, यहाँ पे 10 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम जो है उसके बारे में डिटेल्स में जानने वाले। जैसे कि मैंने मेंशन कर रखा है 10 किलोवाट का प्लांट है, सोलर प्लांट 10 किलोवाट का होगा। इसमें लगने वाला सोलर पैनल जो होगा 335 वाट का हम सोलर पैनल इसमें लगाएंगे। तो आप 100 वाट, 200 वाट, 300 वाट, कितने वाट का पैनल लगा सकते हो, लेकिन हमें कोशिश ये करना है कि बड़े वाट का पैनल लगाए ताकि कॉस्ट हमें कम पड़े। और ये भी ध्यान में रखना है कि हमें राउंड फिगर के आसपास होना चाहिए 10 किलोवाट। तो हमें 335 वाट का अगर पैनल लगाते हैं देन सही रहेगा, लगभग राउंड फिगर में 10 किलोवाट पूरा हो जाएगा। अब चलते हैं क्वांटिटी क्या होगा, मतलब कितने पैनल हम इसमें लगा सकते हैं। तो हमें 30 पैनल लगाना होगा, जो कि हर एक पैनल 335 वाट का होगा। अब इसका कनेक्शन कौन सा होगा ये भी जानने वाली बात है। तो हमें सीरीज और पैरेलल दोनों करना पड़ जाएगा 10 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए। वो इसलिए क्योंकि 30 पैनल है तो इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों करना पड़ सकता है। तो ये डिपेंड जो करेगा वो इन्वर्टर पे करेगा, क्योंकि बहुत सारे कंपनी का जो इनपुट वोल्टेज होता है सोलर पैनल का वो कुछ और होता है, बहुत सारे कंपनी का कुछ और होता है। तो आपको पहले इन्वर्टर का इनपुट वोल्टेज देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिसाइड करना होगा कितने का सीरीज और कितने का पैरेलल करना है। इसमें लगने वाला जो सोलर स्ट्रक्चर है तो वो कितने किलोवाट का लगेगा। तो 10 किलोवाट का स्ट्रक्चर होगा, और आपको ध्यान रखना है स्ट्रक्चर लेते समय कि सोलर पैनल के अकॉर्डिंग ही स्ट्रक्चर लेना है। ऐसा नहीं कि आपने पैनल कहीं और से ले लिया और स्ट्रक्चर कहीं और से लिया, दोनों का होल मैच ही नहीं कर रहा है, देन नट बोल्ट आप कस ही नहीं पाओगे आप, इस बात का ध्यान रखना। आगे चलते हैं कि इसमें लगने वाला इन्वर्टर जो होगा वो कितने का होगा। तो यहाँ पे 12 केवीए का इन्वर्टर लगेगा। मैंने यहाँ पे 12 केवीए लिखा है, किलोवाट नहीं लिखा है। और यहाँ पे 10 किलोवाट का प्लांट में 12 केवीए का ही इन्वर्टर लगेगा, 12 किलोवाट का नहीं लगेगा। 12 किलोवाट ज़्यादा हो जाता है 2 किलोवाट, तो 12 केवीए अगर लगाते हैं तो लगभग वो 10 के आसपास पहुंच जाता है। तो इतना सफिशियंट है, जो कि आपको कॉस्ट एक्स्ट्रा भी नहीं देना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि आपको 2 किलोवाट एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, अगर आप किलोवाट में चेंज करोगे तो लगभग दोनों सेम हो जाता है। आगे चलते हैं, इसमें लगने वाला बैटरी जो होगा तो कितना लगेगा। तो नंबर ऑफ बैटरी इसमें 10 हो जाएंगे। अब 10 बैटरी है, बहुत ज़्यादा बैटरी हो जाता है। अब इसका कनेक्शन भी जो है कि सीरीज करे बैटरी का या पैरेलल करे, ये भी डिपेंड करेगा इन्वर्टर के इनपुट पे। इन्वर्टर में बैटरी का इनपुट वोल्टेज क्या दिया गया, क्योंकि बहुत सारे कंपनी में वोल्टेज कुछ और होता है इनपुट वाला, और बहुत सारे कंपनी में वोल्टेज कुछ और होता है इनपुट वाला। तो आगे चलते हैं, इसमें लगने वाला जंक्शन बॉक्स, जिसको हम डीसी डीवी बोल सकते हैं, तो एक जंक्शन बॉक्स लगेगा। एसी जंक्शन बॉक्स में डीसी एमसीबी डीसी फ्यूज वगैरह लगेगा। अब एसी जंक्शन बॉक्स भी लगेगा, जिसको हम लोग एसी डीवी बोल सकते हैं, तो इसमें एसी एमसीबी एसी फ्यूज वगैरह लगेगा। तो आपको लगाना चाहिए, क्योंकि बड़ा प्लांट है, देन इसमें आप लगाते हो देन सेफ्टी मिलता है आपको, सोलर सिस्टम का, खुद का, इक्विपमेंट्स का आपको सेफ्टी मिलता है। आगे चलते हैं, इसमें लगने वाला डीसी केबल जो होगा किसका लेंथ क्या होगा। तो ज़्यादा लंबा वायर चाहिए होता है इसमें, क्योंकि 30 पैनल है, सबको कनेक्शन करना, फिर स्ट्रिंग वायर बनाना, फिर इन्वर्टर तक पहुँचाना, तो इसी वजह से इसमें लंबा वायर चाहिए होता है, 90 मीटर के आसपास इसमें आपको वायर रिक्वायर्ड होता है। आगे चलते हैं कि एसी केबल कितना होगा। तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है तो इसमें एसी केबल का लेंथ थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या था, एसी वायर का लेंथ थोड़ा कम था। इससे पहले अगर आप नहीं देखे हो तो देख लेना वो वाला वीडियो, तो उसमें वायर का लेंथ कम था, लेकिन इसमें जो है वायर का लेंथ हमने बढ़ा दिया है। वो इसलिए क्योंकि आपको मेनली घर में सप्लाई देना है, ये ऑफ ग्रिड है ना, तो आपको गवर्नमेंट को तो फीड करना नहीं है, तो मेनली घर में सप्लाई करना है, तो आपको अलग अलग जगह कनेक्ट करना होगा। इसलिए मैंने इसमें एसी का लेंथ जो है वो बढ़ा दिया है, लगभग 60 मीटर के आसपास एसी वायर कर दिया है। आगे चलते हैं, कितना एरिया रिक्वायर होगा 10 किलोवाट ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम को लगाने के लिए। तो आपको मिनिमम जो शैडो फ्री एरिया है वो 850 स्क्वायर फीट होना चाहिए। अब शैडो फ्री एरिया का मतलब ये हो जाता है कि आपका वैसा एरिया जहाँ पे बादल ना आए,
किसी तरह का शैडो ना आए, चाहे बिल्डिंग का, पेड़ का, बाउंड्री वाल का, किसी तरह का शैडो दिन में कभी ना आना चाहिए। अगर आता है देन आपका सोलर सिस्टम जो है, सोलर पैनल जो है वो खराब हो सकता है। तो वो एरिया जिस पे शैडो ना आता हो कितना होना चाहिए, 850 स्क्वायर फिट होना चाहिए। आप देख लो कितना एरिया आपके पास, देन उसका आप डिसाइड करना कितने किलोवाट का आपको सोलर प्लांट लगाना है। आगे चलते हैं, इसमें बहुत सारा आपको एसेसरीज मिल सकता है, क्रम्पिंग टूल्स, नट बोल्ट, एले, अर्थिंग किट वगैरह, जो कि सारा सिस्टम जो अगर आप लेते हो ना तो इसी सोलर सिस्टम में आपको ये सब चीज़ मिलता है एक्स्ट्रा। और इसका क्या कॉस्ट पड़ जाएगा पूरा सोलर सिस्टम का, मतलब सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी वगैरह, ये सारा टूल्स वगैरह सब कुछ लेके कितना आपको कॉस्ट पड़ जाएगा, तो 6 लाख के आसपास आपको कॉस्ट पड़ जाएगा विथ इंक्लूडिंग। यहाँ मैंने दे दिया है कि इंक्लूडिंग जो है इंस्टॉलेशन, मतलब सारा सेटअप आपको करके मिलेगा, सामान तो मिलेगा ही, सारा सेटअप आपको लगा के करके देगा जो भी कंपनी से आप लगवाओगे ना, तो वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ करके दे। तो लगभग आपको 6 लाख के आसपास कॉस्ट पड़ जाएगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि 6 लाख ज़्यादा है, देन यहाँ मैं बता दूँ कि ये ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है, इसमें बैटरी लग रहे हैं सबसे बड़ी बात है, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 10 बैटरी लग रहे हैं। 10 बैटरी का कॉस्ट ही आप जोड़ लो कितना रहता है। तो इसमें जो है बैटरी की वजह से कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। और दूसरा बात ये भी कि मैंने यहाँ स्टार मार्क लगा दिया है, तो ये जो स्टार मार्क मतलब का ये फ्लेक्सिबल है, जरूरी नहीं फिक्स है। आपको 5.5 या हो सकता है कोई 5 में लगा के दे दे, 5 लाख में, कोई 5.5 6 लाख ले ले, या 7 लाख ले ले। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप के, किस कैटेगरी के जो प्रोडक्ट है वो ले रहे हो। जैसे कि मैंने यहाँ रेट जो दिया है ए ग्रेड का, अच्छे क्वालिटी का और अच्छे कंपनी का जो मटेरियल लेते हो देन आपको ये कॉस्ट पड़ता है, ठीक है। अगर आप लेते हो बी ग्रेड या सी ग्रेड का लेते हैं देन कॉस्ट आपको कम में भी मिल जाएगा। इसे बहुत सारी कंपनी करती है कि अगर जो क्या ठगती है कस्टमर को, दे देती है सस्ते वाले पैनल दे देती है, बैटरी कम एम्पेयर के दे देती है। जैसे कि मान लो यहाँ पे आप बैटरी ले रहे हो ना, तो बहुत ये भी बात करना होता है आपको उसी समय। यहाँ मैंने एम्पेयर फिक्स नहीं किया है क्योंकि 10 बैटरी तो मैंने फिक्स कर दिया, लेकिन एम्पेयर फिक्स नहीं है। कुछ कंपनी आपको 150 एम्पेयर का बैटरी देगी, कुछ कोई कंपनी आपको 200 एम्पेयर का बैटरी देगी, लेकिन कुछ कुछ कंपनी अगर जो ठगना चाहेगी कस्टमर को तो वो 100 एम्पेयर का बैटरी देके आपको ठग लेगी आसानी से, क्योंकि 100 एम्पेयर का बैटरी का जाहिर सी बात है कॉस्ट तो उसका कम पड़ता है। लेकिन जो मैं बता दूँ आपको, सबका साइज सेम आता है। अगर आप 100 एम्पेयर का बैटरी लोगे ना, 150 लोगे, 200 लोगे, 220 लोगे, 250 लोगे, सबका लगभग सेम साइज मिलता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने एम्पेयर का बैटरी है। अक्सर जो कस्टमर होती है उसको एम्पेयर पता ही नहीं होता है, इसी एम्पेयर पे तो कॉस्ट डिसाइड होता है कि कितने कॉस्ट पड़ेंगे बैटरी का। तो ये आप देख लेना। आगे चलते हैं, क्या आपको इसमें नेट मीटर लगाना पड़ेगा? तो जी नहीं, इसमें नेट मीटर का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को फीड नहीं करना है, मतलब गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी बेचना नहीं है, इसलिए हमें इसमें नेट मीटर नहीं लगेगा, ग्रॉस मीटर ही सही काम चल जाएगा। तो इसमें नेट मीटर नहीं लगेगा तो इसमें सब्सिडी भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफ ग्रिड में सब्सिडी नहीं मिलता है। चाहे आप किसी कितना भी किलोवाट का ऑफ ग्रिड क्यों ना लगाओ, ऑफ ग्रिड का मतलब ये अलग टॉपिक है, अगर आप डिटेल समझना चाहते हो तो इस पर मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा, तो अपलोड करूंगा जल्दी ही, आप उसे देखना। तो इसमें सब्सिडी आपको नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एक दिन में कितना एनर्जी आपको जनरेट करके देगा। तो पर डे मिनिमम 40 यूनिट तो देगा ही देगा, 40 यूनिट का मतलब 40 किलोवाट। अब 40 किलोवाट मिनिमम मैंने बोला, आपको 45-50 यूनिट तक पर डे मिल सकता है अगर आप सही से साइट सर्वे करके लगा रहे हो तो। साइट सर्वे ये भी अलग टॉपिक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे सही डायरेक्शन पे, सही एंगल पे, सही लोकेशन पे सब कुछ देख के आप लगवा रहे हो सोलर सिस्टम, सोलर पैनल, देन आपका जनरेशन जो है वो और आगे जाएगा, मतलब 45-50 यूनिट तक, किलोवाट तक आपको मिल सकता है। अब लास्ट वन हम ये जान लेते हैं कि कितना वारंटी किस चीज़ में मिलने वाला है। तो वारंटी जो है होल सोलर सिस्टम में आपको 5 साल का मिलेगा। इस 5 साल में आपका सारा चीज़ आता है, सारा चीज़, बैटरी भी। लेकिन सोलर पैनल का वारंटी जो है, स्पेशली सिर्फ सोलर पैनल का वारंटी आपको 25 साल मिलता है। तो आपको समझ में आ गया कि अगर 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हो तो कितना कॉस्ट पड़ेगा, कितना एरिया रिक्वायर होगा, कितना एनर्जी जनरेट करके मिलेगा आपको, क्या क्या एसेसरीज मिलने वाला है, पैनल कितने का, इन्वर्टर कितने का, बैटरी कितने का, सारा चीज़ आपने जान लिया। अब भी आप पर कुछ डाउट रह गया देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कोई नया टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं देन वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, देन मैं कमेंट देख के वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।